मॉडिफिकेशन ऑफ वैगनार आप लोगों के सामने है। ये VXI मॉडल है वैगनार का, बट जो लुक है VXI अपग्रेडेड टू द ZXI प्लस विथ द स्पोर्टी लुक। जेड स्पोर्ट में आपकी गाड़ी कन्वर्ट है, जो आगे के लुक में है, जो गाड़ी को एक मिल रहा है उसकी ग्रिल की वजह से। ग्रिल उसी स्टाइल में टू टोन में हमने लगाई है, जो पियानो ब्लैक विद द रेड इंसर्ट के साथ आती है। वाइट कलर की कार पे अनबिलीवेबल लुक है ये ग्रिल का, दो है जो आगे एंड पीछे फ्रंट एंड बैक का आता है। जस्ट सी द लुक एंड द गेटअप ऑफ दिस डिफ्यूज़र इन द फ्रंट। आजू की खाली रिंग ऑन है, इस रिंग का भी कलर आप अपने मोबाइल से चेंज कर सकते हैं, आगे चल के हम देखेंगे। थर्ड इज़ द DRL, फोर्थ इज़ द प्रोजेक्टर। जस्ट सी द लुक ऑफ द हेडलाइट जो मुझे उसके अंदर मिलता है। फिफ्थ द डबल प्रोजेक्टर फॉग लाइट इसके अंदर हमने लॉन्च की है। ये जब ऑफ है तो इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, एक प्रोजेक्टर नीचे की तरफ है, एक प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ है, एक के अंदर डबल प्रोजेक्टर हमको मिलता है। इसका थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद हम थ्रो देखेंगे कि बट जस्ट सी द लुक ऑफ दिस कार विद दिस 5 सिंपल अपग्रेड्स, 1 ग्रिल, 1 बम्पर, 1 DRL, 1 प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ एंड सेकेंड प्रोजेक्टर नीचे की तरफ। ये गाड़ी का हमने इसके गाड़ी के साइड प्रोफाइल में किए हैं। वाइट कलर की कार है बट टू टोन, जैसा ZXI प्लस में लुक आता है वाइट के साथ ब्लैक। इसके जो रूफ है, साइड कॉलम्स है, पिलर्स हैं, हमने ब्लैक PPF अप्लाई किया है। ये कोई विनाइल स्टिकर वगैरह नहीं है, जैसे स्टिकर पे स्क्रैचेस आने के चांसेस हैं, इस पे स्क्रैच भी नहीं आएंगे। एंड दूर से अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये पेंट किया गया है, इट्स अ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म बट इन द ब्लैक कलर, बट है ये एक स्टिकर ओनली, ये पेंट नहीं है दोस्तों। तो टॉप मॉडल में जैसे ब्लैक रूफ आती है, ब्लैक रूफ किया है फर्स्ट, सेकंड अलॉय व्हील्स आते हैं जो ZXI प्लस के मारुति के जेन्यून अलॉयज हैं, 14 इंच के हमने लगाए हैं, बट जो लोगो है सेंटर का वो रेड इसके साथ हाईलाइटेड है। कैरियर भी इसके अंदर हमने लगाया है, पर कोई देख के बोलेगा नहीं कि कैरियर इस पे लगा हुआ है। इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ द बैक है। वर्क थोड़ा सा हमने किया है विंडो पे एंड जो पत्रे पे जो इल्यूमिनेटेड फॉर्मेट में आते हैं। VXI टू ZX अनलॉक करने पे ओपन होते हैं, था उसमें कंट्रोल्स नहीं आते थे, कंट्रोल्स तो हमने लगाए ही हैं, बट जस्ट सी द लुक ऑफ द स्टेयरिंग, इट्स अ कार्बन फाइबर स्टेयरिंग। जेड स्पोर्ट अगर आता है तो स्पोर्ट्स स्टेयरिंग उसके अंदर आता है। सी द लुक ऑफ द स्टेयरिंग, इसका होल्डिंग पार्ट एक कार्बन फाइबर है, जो साइड पार्ट है वो प्योर लेदर है, जो एयर बैग है वो रेड लेदर है, कंट्रोल सेक्शन है, वॉल्यूम प्लस माइनस गाना आगे पीछे, फ़ोन उठाना काटने का बटन, सीधा लुक ऑफ द स्टेयरिंग। द कंप्लीट इंटीरियर हैज़ बीन डन इन द ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन। सीट कवर्स हमने लगाए हैं जो फुल ब्लैक विथ रेड स्टिचिंग के साथ ऑटोनॉमी ब्रांड के आते हैं। जस्ट सी द कम्फर्ट इन द विजन। आर्म रेस्ट भी जो है इसका फुल ब्लैक है, हाईलाइटेड विथ अ रेड स्टिच है। जो इसके गियर के नीचे का कंप्लीट कॉन्सोल है, प्लास्टिक है, उसको भी हमने रेड कलर में लेदर रैप किया है। आगे के दो पिलर्स हैं जो कॉलम्स हैं, उनको भी एक रेड कलर का टच हमने दिया है। द सीट कवर, द आर्म रेस्ट, द स्टेयरिंग, द गियर कंसोल, फ्रंट टू पिलर्स, इंटीरियर स्टाइलिंग किट जो पावर विंडो के लिए आती है कार्बन फाइबर टेक्सचर्स के साथ, एंड फाइनली द एक्टिव एम्बियंट लाइट, जो रेड कलर की लाइट पतली सी जा रही है डैशबोर्ड पे चारों दरवाज़ों में। कोई बोलेगा नहीं कि ये 7-8 लाख रुपए की वैगन आर है, एक स्पोर्ट्स कार, एक लग्जूरियस कार, एक प्रीमियम कार का लुक इसको हमने देने की कोशिश की। अपग्रेड विच हैज़ बीन डन इन द कार। आज का वीडियो स्पेशली बना ऑडियो आप लोगों को एक्सपीरियंस देना गाड़ी के अंदर। ऑडिसन के VOCE वोचे सीरीज़ के जो को एक्शियल आते हैं, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट स्पीकर, को एक्शियल यानी कि ट्यूटर जिसमें इन बिल्ट आता है। आगे के डोर्स में कंपोनेंट्स हमने लगाए हैं ऑडिसन के ही, बट द APK 165P जनरली जो हम बेचते हैं वो विदाउट ये पी लेटर के आता है, वो 300 वॉट का आता है। ये वाला जो मॉडल है 345 वॉट्स का है, इसका हम
वेट भी देखेंगे कि कितना हैवी स्पीकर ये आता है। एंड इन चारों स्पीकर्स को सोनी के एम्प से हमने पावर दी है, सोनी XM GS4, द हाई रेजोल्यूशन ऑडियो। 20,000 रुपये के रेंज का एम्पलीफायर, 20,000 रुपये के रेंज के आगे के स्पीकर, 25,000 रुपये के रेंज के पीछे के स्पीकर एंड 10,000 का डैम्पिंग का वर्क हमने किया है चारों तरफ। हर डोर सरफेस विद डैम्पिंग एंड विदाउट डैम्पिंग फ़र्क आप लोग देख सकते हैं, इसकी आवाज़ हम लोग सुनेंगे। 60-degree कैमरा हैज़ ऑल्सो बीन इंस्टॉल्ड इन द कार, क्योंकि आप टॉप मॉडल ले लीजिए उसमें भी आपको रिवर्स कैमरा ही आता है, बट 360 degree चार कैमरे हमने इसके अंदर लगाए हैं, जिसका प्लेयर के ऊपर विजन देख सकते हैं, लुक देख सकते हैं, द ऑल द फोर व्यूज इन वन स्क्रीन। दिस इज़ द फ्रंट व्यू, सी द क्लैरिटी। दिस इज़ द बैक व्यू जो पीछे का आता है। दिस इज़ द लेफ्ट व्यू, अभी i20 मेरे यहाँ से जा रही है, क्लैरिटी देखिए दोस्तों। एंड दिस इज़ द राइट व्यू, जो साइड में मेरी लाइट है। एक एक जो क्लैरिटी मुझे मिलती है अनबिलीवेबल है दोस्तों, क्योंकि एक छोटी पार्किंग अगर आपकी गाड़ी के यहाँ पे हो तो 360 गिव्स यू अ क्रिस्टल क्लियर विजन विद ऑल द फोर व्यूज विद द नेट प्ले ब्रांड विद द एप्पल कार प्ले। ये प्लेयर इसके अंदर हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स जो दरवाज़ा खोलने पे वैगनर का नाम एंड उसमें इल्यूमिनेशन देती है। जेन्यून अलॉय व्हील्स हमारे हो गए। टेल लाइट के जो बॉर्डर्स हैं वो ब्लैक हैं। स्पॉइलर है जो मारुति का जेन्यून है। एंड अंगर बम्पर हमने आगे लगाया है, देख सकते हैं कि फुल ब्लैक एंड रेड एग्जॉस्ट के साथ आता है। वाइपर ये भी ये मॉडल में नहीं लग के आता है, क्योंकि VXI मॉडल अगर हम लेते हैं तो उसमें रियर वाइपर नहीं आता है, तो रियर वाइपर विद द रियर वॉशर भी हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किया है, क्योंकि बारिश का टाइम आने वाला है तो वाइपर का भी वर्किंग ऑपरेशन आप लोग देख सकते हैं। ये गाड़ी हमने बनाई है, इसकी आवाज़ हम सुनेंगे एंड लाइट्स का आपको रिस्पॉन्स दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। ये जो स्पीकर्स हमने ये गाड़ी के अंदर लगाए हैं, चार स्पीकर्स हैं ऑडिसन के प्लस एक सोनी का एम्प है। इसका इफेक्ट आप लोग सुन सकते हैं, आज तक काफ़ी इफेक्ट हमने सुने ऐसे, बट दिस वन इज़ डिफरेंट दोस्तों, बिलीव मी। जस्ट लिसन टू द साउंड एक्सपीरियंस जो हमको इसके अंदर मिल रहा है। कैसा बज रहा है? बहुत बढ़िया, छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी भी अपने को कैसा बज रहा है? बहुत बढ़िया। पंच वाइब्रेशन जो जो अपने को आ रहा है, ये वीडियो में ही आप लोग सुन सकते हैं कि एक एक पंच जो जो बेस अपने को इसके अंदर मिल रहा है कैसा होगा सर। जैसा मुझे चाहिए था उससे काफ़ी मतलब आगे लेवल का मुझे ये म्यूजिक सिस्टम मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मैं आपको। सुन सकते हैं आप लोग एक बार फिर से। ऊपर नहीं लगाया, बट ऊपर नहीं लगाया, नाइट के टाइम पे ये फॉग लैम्प की प्रोजेक्शन देख सकते हैं। हम बोलते हैं एक सिंगल लेंस है, आप लोग देख सकते हैं उसके आगे ये डबल लेंस है। सी द थ्रो ऑफ द फॉग लाइट, ये खाली फॉग लाइट ऑन है। इसकी जो विड्थ है, जो रेंज है लेंथ में, जो रेगुलर चाइनीज प्रोजेक्ट वाली बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इसकी थ्रो देख सकते हैं। इसे लो बीम डिपर पे इसकी पावर देख सकते हैं। दिस इज द हेडलाइट ऑन, दिस इज़ द हेडलाइट ऑफ। एंड हाई बीम पे जो इसकी रेंज है, जस्ट सी द रोड एंड द एरिया कवरेज जो ये लाइट्स हम लोगों को देती है। सो अल्टीमेट लाइट सॉल्यूशन के साथ
जिनोम के प्रोजेक्टर्स हमने लगाए हैं ऊपर एंड के साथ आती है। इसका लाइट का भी थ्रो हमने देखा है कि किस तरीके से। वन मोर जेड स्पोर्ट मॉडिफिकेशन ऑफ वैगन आर, VXI मॉडल ये आता है, बट जो इसको हमने अपग्रेड किया है, जो इसकी ग्रिल का लुक है, जो इसके बम्पर का लुक है, जो इसका इंटीरियर है, जो प्रोजेक्टर्स हैं, जो एम्बियंट लाइटिंग है, हर वो लेवल पे जो ये गाड़ी बेस्ट तरीके से मॉडिफाई हो सकती थी हमने की है। बट जहाँ बेस्ट आता है, एक बेस्ट म्यूज़िक सिस्टम के साथ, जो आज तक की वैगन आर के इतने सारे वीडियोस हैं, बट द बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस जो हमने देने की कोशिश की है वो ये गाड़ी के अंदर है। इसके अंदर जो सेटअप भी हमने लगाया है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, VXI मॉडल में दो स्पीकर्स कंपनी लगा के ही देती है जो 25 वॉट के आते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। बट ऑडिसन की दो सीरीज़ आती है, एक आती है प्राइमा, एक आती है वोचे, दोनों हमने इसके अंदर लगाई है। वोचे जो प्राइमा की ऊपर की सीरीज़ है, उसके को एक्शियल्स हमने लगाए हैं। सर इसको एक अब हाथ में पकड़िए, और ये जो कंपनी का लगा हुआ था, सर ने मेरे को एक ही बोला, आपके पास जो बेस्ट होएगा वो आप लगाइए, एंड एक बजट रेंज मेरे को बताया कि ये बजट में अच्छा साउंड सिस्टम अपने को लगाना है। वूफर नहीं लगाना है, बट स्पीकर में से ही वूफर की आवाज़ आनी चाहिए। फ़र्क है कि नहीं है सर? बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये एक ही ऐसे को एक्शियल्स आते हैं जिसमें ट्यूटर तो इनबिल्ट है ही, प्लस ये एक मिनी एम्पलीफायर है, एक छोटा एम्पलीफायर है, ये IN इनपुट इसमें लिखा हुआ है। बड़े एम्प से पावर जाती है, छोटे एम्प में इसे एम्पलीफाई होके जाती है। ये हमने लगाए हैं पीछे के दरवाज़ों में एंड आगे के दरवाज़ों में जो हमने लगाए हैं। ये जो कंपनी ने अपने को दिए हैं, कैसा फ़र्क है सर? दोनों का मैग्नेट आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के आते हैं वो 25 वॉट के आते थे, जो लगाए गए हैं ऑडिसन के 330 वॉट के आते हैं, ये 15 वॉट के ट्यूटर आते हैं। ड्रास्टिक डिफरेंस है जो साउंड एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है। सोनी के GS4 एम्पलीफायर से हमने चारों स्पीकर्स को पावर दी है। कैसा सर ये सिस्टम बज रहा है, और जो सुबह से आ रहा है क्या बोल रहा है गाड़ी को देख के? सबसे पहली बात तो मैं रोहित सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मैं आए दिन एक महीने से इनका वीडियो यूट्यूब में सर्च कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, और तहे दिल से उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी गाड़ी ऐसी बना दी है कि मैं सोच भी नहीं सकता। ZXI+ नहीं, BBB+ हो चुकी मेरी गाड़ी। क्योंकि टॉप मॉडल भी आप खरीद लेते थे जी, तो उसमें ये प्रोजेक्टर जी, ये स्पीकर, ये डैम्पिंग, ये सीट कवर जी, ये कार्बन फाइबर स्टेयरिंग, उसमें भी आपको नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता। और ये जो म्यूजिक सिस्टम है काबिले तारीफ है, मैंने ऐसा म्यूजिक सिस्टम कभी देखा भी नहीं। आप इस गाड़ी के साथ पिकनिक जा सकते हो, वहाँ पर आप DJ चला के एंजॉय बहुत बढ़िया तरीके से पार्टी चला सकते हो। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर। जितने सर आए हमारे भरोसे पे, एक ही वर्ड उन्होंने बोला, डू वॉट एवर इज बेस्ट, बाकी कोई आगे पीछे बात नहीं है। आर्मी में भी सर हैं, इंडियन आर्मी में है, तो इंडियन आर्मी से जो हमारे देख रहे हैं, मेरा दिल से उनको शुक्रिया। क्या ये इंसान की पहली गाड़ी होती है सर वैगन आर? जितने भी हमारे आर्मी में, ये कैंटीन के थ्रू अपने को गाड़ी पड़ती है। तो जो VXI है उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, वाइट ब्लैक गाड़ी जब रोड पे चल रही है दो जन इसको पलट के देख रहे हैं। बराबर है सर, शुक्रिया करते हैं आपको। सर ये लड़के हैं, कैसी होगी सर गाड़ी? गाड़ी सबसे बेस्ट हो गई है, मतलब एक्सेसरीज एकदम बेस्ट लगाए उसमें, और मतलब गाड़ी एकदम लग्जरी टाइप हो गई है। थैंक यू करते हैं आपको। किस तरीके से ये वैगन आर हमने मॉडिफाई की है, द जेड स्पोर्ट मॉडिफिकेशन ऑफ वैगन आर विथ बेस्ट ऑडियो अपग्रेड, आज का वीडियो है जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं। डेफिनेटली लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, ड्राइव सेफली एंड थैंक यू।